दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशंस 16 लाख सब्सक्राइबर में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजता है और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पर तमाचा लग सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। समंदर की स्याह परतें वैसे भी अपने अंदर बहुत कुछ दबाए हुए हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। बाल्टिक सागर में एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट देखा गया है। बाल्टिक उत्तरी यूरोप का एक ऐसा सागर है जो लगभग सभी ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में स्वीडन है, उत्तर पूर्व में फिनलैंड, पूर्व में इस्टोनिया, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिमी में जर्मनी है। लगभग 2 वर्ष पूर्व पोलैंड के गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में 40 फीट नीचे एक जहाज के मलबे से 200 साल पुराना एक 12 इंच लगभग 1 फुट लंबी मिनरल वाटर से भरी सुराही ढूंढ निकाली। लेकिन इस बार एक विचित्र विमान खोजकर्ताओं को हैरत में डाले हुए है। पहली बार एक एलियन विमान समुद्र की गहराइयों में मिला है। दूसरी दुनिया के परग्रहियों में विश्वास रखने वालों का कहना है कि ये एलियंस का स्पेसक्राफ्ट है जो समंदर में लैंड किया हुआ है। हालांकि ये चीज क्या है, इस बारे में कोई दावे से कुछ नहीं कह पा रहा। बाल्टिक सागर की स्याह तलहटी में दिखाई दिया ये रहस्यमय विमान एकदम अजीबोगरीब है। पीटर लिडेन वर्ग के नेतृत्व में स्वीडिश ओसोन एक्स टीम ने इसकी खोज की है। डेनिस एशबर्ग इस टीम के को रिसर्चर और कैप्टन थे। समंदर की सतह से लगभग 300 फीट की गहराई में मिला ये विमान दिखने में एकदम स्टार वॉर मूवी में नजर आए स्पेसक्राफ्ट जैसा है। इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि जब गोताखोरों की टीम इस स्पेसक्राफ्ट के नजदीक पहुंची तो उन गोताखोरों के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। यही बात सबके दिलो दिमाग में खलबली मचाए हुए है। इस टीम के सदस्य रहे प्रोफेशनल ड्राइवर स्टीफन का कहना है कि संभवतः वहां से कोई रहस्यमय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही थी, जिसकी वजह से उनके सैटेलाइट फोन्स ने भी उस स्पेसक्राफ्ट के नजदीक पहुंचने के बाद काम करना बंद कर दिया। उनका कहना था कि उस वक्त हमारी टीम उस स्पेसक्राफ्ट के ठीक ऊपर थी। उन्होंने कहा कि हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जैसे ही हम उस स्पेसक्राफ्ट के तकरीबन 200 मीटर दूर गए होंगे, हमारे उपकरण फिर से चालू हो गए। बाल्टिक सागर में मिला गोलाकार विमान लगभग 200 फीट चौड़ा और 26 फीट लंबा है। ये दिखने में मशरूम जैसा लग रहा था। स्पेसक्राफ्ट के बारे में एक और बात हैरान करने वाली है कि जिस धातु का बना हुआ है वो प्रकृति में कहीं नहीं पाया जाता। यद्यपि इसके नमूनों को जांच के लिए भेजा गया, फिर भी वैज्ञानिक इस रहस्यमय धातु को लेकर चकित हैं। इन्हीं सब वजहों से अधिकतर लोग ये मान रहे हैं कि ये कोई परग्रही विमान है जो किसी कारण से समंदर के अंदर समाया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।